हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर फर्स्ट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है वो शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या इवेंट्स हैं? सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी। अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आइदर बाई द सेम इंडिविजुअल और बाई डिफरेंट इंडिविजुअल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फ्यूजन ऑफ गैमेट होगी, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, हो सकता है कि वो दोनों गैमेट सेम इंडिविजुअल से बन रहे हो, एक ही बॉडी से बन रहे हो, या हो सकता है वो डिफरेंट इंडिविजुअल, मेल इंडिविजुअल अलग हो, फीमेल इंडिविजुअल अलग हो। ठीक है, तो अगर सेम इंडिविजुअल ही दोनों गैमेट बना रहा है तो फिर वो कैसा इंडिविजुअल हो जाएगा? मोनोसियस। ठीक है, मोनोसियस। और अगर दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, एक मेल गैमेट बना रहा है, एक फीमेल गैमेट बना रहा है, तो वो ऑर्गेनिज्म कैसा हो जाएगा? डायोसियस। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे हम आगे। तो बट इंपॉर्टेंट बात क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होनी चाहिए, मेल गैमेट बनना चाहिए और फीमेल गैमेट बनना चाहिए, चाहे सेम इंडिविजुअल से बने या डिफरेंट इंडिविजुअल से बने। ठीक है, डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। अच्छा, फिर ये गैमेट फ्यूज करके क्या बनाएंगे? दीज गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। फाइनली ये क्या बना देंगे? जाइगोट। और वो जाइगोट आगे चल के क्या बना देगा? कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म बना देगा। ठीक है, ये प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये कैसे डिफर करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बारे में एक लाइन लिख रखी है कि इट इज एन इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर करते हैं तो ये कैसा प्रोसेस है? ज्यादा इलेबोरेट है। इसके अंदर पहले गैमेट बनाने पड़ेंगे, फिर गैमेट ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस करेगा, फिर रिजल्टेंट जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट डेवलप करके फाइनली न्यू इंडिविजुअल बनाएगा। तो काफी इलेबोरेट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, और स्लो प्रोसेस भी है, क्योंकि पहले तो गैमेट फॉर्मेशन में ही टाइम लगेगा, फिर फ्यूजन होगा, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलेगी, तो काफी स्लो प्रोसेस है। जबकि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स की बजाय कैसा प्रोसेस है? सिंपल प्रोसेस है। और स्लो की बजाय कैसा प्रोसेस है? फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, जल्दी टेक प्लेस करता है, जल्दी उसमें न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड याद रखने हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इलेबोरेट है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और स्लो प्रोसेस है, जब किससे कंपेयर करते हैं? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर करते हैं। ठीक है, अच्छा, और क्या फायदा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? कि यहाँ पे क्या होने लग रहा है? फ्यूजन होने लग रहा है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। तो उससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, जो नए इंडिविजुअल बनेंगे, दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमंग देमसेल्फ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, फ्यूजन ऑफ गैमेट से क्या इंट्रोड्यूस हो जाती है अगली जनरेशन में? वेरिएशंस इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, तो जेनेटिक कंटेंट बिल्कुल सिमिलर नहीं होता। ठीक है, उसमें कुछ डिफरेंस होता है, तो उस वजह से जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो थोड़े से अलग जेनेटिक कंटेंट के बनेंगे, पेरेंट से भी और आपस में भी। ठीक है, तो इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या भी परमिट करके देता है? वेरिएशंस परमिट करके देता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में, एनिमल, फंगस, तो उनकी वैसे बाहर से मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ये सब काफी वेरी करते हैं। ठीक है, लेकिन जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात आती है तो सारे सेम पैटर्न शो करते हैं। सेम पैटर्न क्या? कि उन सब के अंदर, चाहे फंगस हो, एल्गी हो, प्लांट, हायर प्लांट हो, एनिमल्स हो, अगर वो सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो सारे क्या बनाएंगे? गैमेट्स फॉर्मेशन करेंगे, फिर गैमेट्स का फ्यूजन कराएंगे, फिर रिजल्टेंट जाइगोट बनेगा, फिर वो जाइगोट आगे इंडिविजुअल्स को बनाएगा। ठीक है, तो जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात आती है सारे ऑर्गेनिजम्स में, तो सरप्राइजिंगली दे से अरे सिमिलर पैटर्न, तो वो सारे के सारे एक जैसा सा पैटर्न शो करते हैं। ठीक है, इससे आगे आ जाते हैं। अब बता रहे हैं फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ साइकिल में किस फेज से गुजरता है। तो सबसे पहले किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में कौन सा फेज आता है? जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज, या प्लांट के केस में इस जुवेनाइल फेज को हम क्या भी बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज।
तो इनिशियली कोई भी प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म इनिशियली ग्रो करता है, वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनाना शुरू करेगा, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होगा, उससे पहले का जो उसका लाइफ स्पेन है वो उसका लाइफ का कौन सा फेज बोला जाएगा, जुवेनाइल फेज, या प्लांट के केस में वो क्या बोला जाएगा, वेजिटेटिव फेज। फिर जब वो गैमेट बनाने लग गया, रिप्रोडक्शन की एबिलिटी आ गई, तो फिर उसका कौन सा फेज लाइफ का चालू हो जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, जब वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है, उसमें अगली जनरेशन बनाने की एबिलिटी रहता है। और जब रिप्रोडक्टिव फेज एंड हो जाता है तो ऑर्गेनिज्म किस में एंटर कर जाता है, सेनेसेंट फेज, ओल्ड एज जो रहती है उसमें एंटर कर जाता है। तो एक्चुअली किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में तीन फेज रहते हैं। पहला कौन सा रहता है, जुवेनाइल फेज, जिसमें वो इनिशियली ग्रो करता है। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें वो एक्चुअल में गैमेट बनाता है और अगली जनरेशन बनाने की एबिलिटी रखता है। और उसके बाद वो जब ओल्ड एज में इंडिविजुअल एंटर कर जाएगा, तो उसका लाइफ का कौन सा फेज चालू हो जाएगा, सेनेसेंट फेज। ठीक है, ओल्ड लाइफ वाला फेज चालू हो जाएगा, जब उसका मेटाबोलिज्म वगैरह स्लो हो जाएगा बॉडी का। ठीक है, देखो तो अब बुक में क्या लिख रखा है, पहले डेफिनेशन लिख रखी है जुवेनाइल फेज की या वेजिटेटिव फेज की। तो कह रहा है ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ, कब, बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाए, गैमेट बना पाए, उससे पहले उसको एक बेसिक बॉडी की ग्रोथ करनी पड़ेगी, बेसिक मैच्योरिटी अटेन करनी पड़ेगी, तो वो उतना लाइफ स्पेन उसका क्या बोला जाएगा, जुवेनाइल फेज बोला जाएगा। ठीक है, और प्लांट के केस में इस जुवेनाइल फेज को हम क्या बोल देते हैं, वेजिटेटिव फेज बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो क्या ये फेज सब में एक जैसा हो सकता है, नहीं, सब ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पेन है वो ही अलग अलग है, तो उनका जो वेजिटेटिव फेज होगा, रिप्रोडक्टिव फेज होगा, वो भी अलग अलग होगा। ठीक है, ये सब में अलग अलग होता है, वेरिएबल ड्यूरेशन का होता है। उसके बाद आता है वेजिटेटिव फेज के बाद, जुवेनाइल फेज के बाद कौन सा फेज आएगा, तो एंड हो गया जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज, तो किसकी बिगनिंग हो जाएगी, रिप्रोडक्टिव फेज की। और प्लांट में हम कैसे पता लगा सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज चालू हो गया, कैन सीन इजिली इन दी हायर प्लांट व्हेन दे कम टू फ्लावर। तो हायर प्लांट जब फ्लावरिंग करने लग जाते हैं, फ्लोवर के अंदर एंड्रोसियम गायनोसियम के अंदर मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनने लग जाएंगे, तो पता चल जाएगा कि उनके अंदर जुवेनाइल फेज से वेजिटेटिव फेज से कौन सा फेज एंटर हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज चालू हो गया। ठीक है, तो सेकेंड फेज आता है रिप्रोडक्टिव फेज। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछ रखा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट टू कम टू फ्लोवर। तो आपने कोई मैंगो का सीड ग्रो किया, तो उसके कितने टाइम बाद उसमें फ्लोवरिंग होएगी, ठीक है, वो टाइम पूछ रखा है। तो अपने को इसमें लिखना है, पहले लिखना है मैरीगोल्ड, दूसरा राइस और व्हीट, इन तीनों को ग्रो करेंगे, इसके इन तीनों के सीड को ग्रो करेंगे, तो उसके लगभग 3 मंथ आफ्टर, 3 महीने बाद फ्लोवरिंग होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, 3 मंथ आफ्टर, इन तीनों के अंदर। उसके बाद पूछ रखा है कोकोनट में, तो कोकोनट में फ्लोवरिंग कब शुरू होती है, आप सीड ग्रो करोगे उसके 7 ईयर आफ्टर। ठीक है, 7 ईयर आफ्टर। अच्छा, उसके बाद पूछ रखा है मैंगो का, तो मैंगो का सीड ग्रो करने के 3 to 6 ईयर आफ्टर, 3 से 6 साल के बाद, ठीक है, वो फ्लोवरिंग करने लगता है। ठीक है, फ्लोवरिंग करने लगता है मतलब उसमें रिप्रोडक्टिव फेज चालू हो जाता है इतने टाइम के बाद। ठीक है, तो ये डाटा पूछ रखा है, याद करना है, मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, इनमें सीड ग्रो करने के 3 महीने बाद फ्लोवरिंग होगी, कोकोनट में 7 ईयर आफ्टर फ्लोवरिंग होगी सीड ग्रो करने के बाद, मैंगो में 3 to 6 ईयर आफ्टर फ्लोवरिंग चालू होगी। ठीक है, तो उससे पहले का, फ्लोवरिंग से पहले का टाइम पीरियड उनमें क्या बोला जाएगा, वेजिटेटिव फेज। फ्लोरिंग के बाद का टाइम पीरियड क्या बोला जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ रखा है कि इन सम प्लांट वेयर फ्लोरिंग अकर मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार फ्लोरिंग होने लग रही है, व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लोरिंग पीरियड। तो आपने बोला कि भाई कोई सबसे पहले किस में होता है, वेजिटेटिव फेज में। ठीक है, जब वो
अभी फ्लोवर नहीं बना रहा, तब वो वेजिटेटिव फेज में, उसके बाद वो फ्लोरिंग करने लग गया तो किस में एंटर कर गया, रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। लेकिन वो एक से ज्यादा बार फ्लोरिंग करने लग रहा है, ठीक है, मल्टीपल सीजन्स के अंदर फ्लोरिंग करने लग रहा है। तो जब एक बार उसने रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने के बाद फ्लोरिंग की, उसके बाद मान लो अगले सीजन में फ्लोरिंग की, तो उसके इन बिटवीन का टाइम पीरियड क्या बोला जाएगा, उसको हम जुवेनाइल फेज में कंसीडर करेंगे या मैच्योर में? तो इसका आंसर क्या आएगा, मैच्योर फेज में, ठीक है, वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो चुका है, तो अब वो जुवेनाइल नहीं माना जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मैच्योर, ठीक है। तो इसका आंसर भी लिख लेना और ये तीनों डाटा लिख लेना, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब थोड़ा प्लांट से रिलेटेड लाइफ साइकिल की बात करने लग रहा है, तो इसमें कहने लग रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं तो वो फ्लोवरिंग करते हैं, तो उनके फ्लोवरिंग पैटर्न्स में क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो कह रहा है कि देर आर सम प्लांट दैट फ्लोवर थ्रू आउट द ईयर, सम अदर प्लांट्स वो क्या करते हैं, सीजनल फ्लोवरिंग करते हैं। तो अब हम प्लांट्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो कह रहा है प्लांट कैसे कैसे होते हैं, एनुअल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट्स और तीसरे पेरिनियल स्पीसीज होती हैं, तीन होती हैं, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा बता रखा है। तो पहले अपने को ये अच्छे से पढ़ने हैं, कौन कौन से, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल, तीन तरह के प्लांट्स बताने लग रहा है, ठीक है। यहाँ देखो, अब ये साइड में पेंसिल से लिख लेना इनकी डेफिनेशन। पहले हमने बोला कौन से प्लांट्स होते हैं, एनुअल प्लांट्स, ठीक है, ये हम क्लासिफिकेशन किस बेस पे कर रहे हैं, लाइफ साइकिल के बेस पे, ठीक है, फ्लोवरिंग के बेस पे नहीं कर रहे हैं, लाइफ साइकिल के बेस पे। तो पहले हमने बोला एनुअल प्लांट्स होते हैं, तो एनुअल प्लांट्स कौन से होते हैं, प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन ग्रोविंग सीजन, इन वन ग्रोविंग सीजन, ठीक है। ऐसे प्लांट जो एक ही ग्रोविंग सीजन में अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेते हैं, अपना पूरा लाइफ ही कंप्लीट कर लेते हैं एक ही ग्रोविंग सीजन में, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, एनुअल प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो ऐसा कोई प्लांट है जिसकी लाइफ साइकिल है 3 से 4 महीने की, ठीक है, 3 से 4 महीने की, तो वो उसी 3 से 4 महीने के पीरियड में वेजिटेटिवली भी ग्रो करेंगे, वेजिटेटिव के बाद रिप्रोडक्टिवली ग्रो करेंगे, मतलब फ्लोरिंग करने लग जाएंगे, और उसके बाद वो सेनेसेंट में चले जाएंगे, ओल्ड एज में चले जाएंगे, और फाइनली ओल्ड एज के बाद उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो एक ही ग्रोविंग सीजन में जो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब अपनी लाइफ साइकिल के तीनों फेज कंप्लीट कर लेते हैं, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव, सेनेसेंट, तीनों फेज अपने लाइफ साइकिल के कंप्लीट कर लेते हैं, वो प्लांट क्या बोले जाते हैं, एनुअल प्लांट्स बोले जाते हैं, ठीक है। अब एनुअल प्लांट्स के एग्जाम्पल अपने को क्या लिखना है, अब ये लिखे तो उन्हीं में से कुछ हैं, मैरीगोल्ड, राइस, वीट, ये सारे कैसे प्लांट है, एनुअल प्लांट है, एक ही ग्रोविंग सीजन में, किसी साल के पर्टिकुलर ग्रोविंग सीजन में ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट जो एक ही बार में अपनी लाइफ कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये तो एक ही बार फ्लोवरिंग कर पाएंगे, ठीक है। दूसरे कौन से प्लांट आते हैं, बाइनियल प्लांट्स, दूसरे कौन से आते हैं, बाइनियल प्लांट्स। अब बाइनियल प्लांट्स किसको बोलते हैं, प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन टू ग्रोविंग सीजन, कि इनको अपनी लाइफ साइकिल पूरे करने में कितना टाइम लगता है, 2 सीजन लगते हैं। मतलब मान लो इस साल सर्दी में ग्रो कर रहे हैं, तो इस साल का सर्दी का टाइम पीरियड लगेगा और अगले साल का सर्दी का टाइम पीरियड मिलेगा। तो 2 साल में कैसे कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर वो कैसे ग्रो करते हैं, वेजिटेटिवली ग्रो करते हैं, ठीक है, इनिशियली मैच्योरिटी गेन करते हैं वेजिटेटिवली, और जब सेकेंड सीजन आ जाएगा उस सेकेंड सीजन के अंदर वो फ्लोवरिंग चालू करेंगे, मतलब किस में एंटर करेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज में। तो वेजिटेटिवली को वो कब ग्रो करते हैं, फर्स्ट सीजन के अंदर, पहले सीजन में सिर्फ वेजिटेटिवली ग्रो करेंगे, और सेकेंड सीजन अगर आएगा
तब तक अगर वो ग्रो हो रहे हैं तो सेकंड सीजन में क्या करना चालू करेंगे, फ्लोवरिंग, मतलब कि वो किस में एंटर कर जाएंगे, रिप्रोडक्टिव फेज में, और फ्लोवरिंग के बाद उस सेकंड सीजन में ही किस में एंटर कर जाएंगे, सेनेसेंस में, ओल्ड एज में, और सेकंड सीजन एंड होते होते फाइनली किस में एंटर कर जाएंगे, डेथ के अंदर। ठीक है, तो उनका फ्लोवरिंग यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट ओल्ड फेज वो कब पूरा होता है, सेकंड सीजन, वो फेज लाइफ का कब पूरा होता है, सेकेंड सीजन के अंदर। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, बाइनियल प्लांट, कि उनको ग्रो किया तो इस साल तो सिर्फ वो वेजिटेटिवली ग्रो करेंगे, फिर उनको हम एजिटीज रहने देंगे तो अगली साल फिर से वो सीजन आएगा तब वो फ्लोवरिंग चालू करेंगे और लार्ज नंबर ऑफ फ्लोवर बनाएंगे, सीड प्रोड्यूस करेंगे, और वो पेरेंट प्लांट जो है वो सेनेसेंट में जाएगा और डेथ में चला जाएगा। तो इन्होंने 2 साल लगाए अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, 2 सीजन लगाए। ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, बाइनियल प्लांट के बेस्ट एग्जाम्पल अपने को क्या याद करना है, रेडिस और कैरेट, 2 याद करने हैं अपने को। ठीक है, ये दोनों कैसे प्लांट होते हैं, बाइनियल प्लांट। ठीक है, तीसरे कौन से प्लांट आते हैं, पेरिनियल प्लांट। ठीक है, तीसरे हैं पेरिनियल प्लांट। तो पेरिनियल प्लांट कौन से होते हैं, प्लांट्स विच टेक्स मल्टीपल सीजन्स, विच टेक मल्टीपल सीजन्स टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। ऐसे प्लांट जो मल्टीपल सीजन्स के अंदर ग्रो करते रहते हैं और तब जाके उनका लाइफ साइकिल पूरा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम कौन से एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे मैंगो, मैंगो, एप्पल वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ऑरेंज लिख सकते हैं। तो ये मल्टीपल सीजन में ग्रो करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने बोला मैंगो है, वो इनिशियली अपनी लाइफ के इनिशियली 3 ईयर, 3 साल के लिए कैसे ग्रो करा, वेजिटेटिवली ग्रो का, 3 साल उसने कोई फ्लोरिंग नहीं की। अब हो सकता है कि अगले 5 साल के लिए, अगले 5 ईयर के लिए वो क्या कर, किस में एंटर कर जाए, रिप्रोडक्टिव फेज में, मतलब कि शुरू के 3 सीजन तो बस वो वेजिटेटिवली ग्रो किया, फिर अगले 5 सीजन उसने फ्लोवरिंग की, मल्टीपल टाइम फ्लोवरिंग करी, और उसके बाद हो सकता है वो किस में एंटर कर जाए, सेनेसेंट फेज में, ओल्ड एज में, और फिर किस में एंटर कर जाए, डेथ के अंदर चला जाए। तो जो मल्टीपल सीजन्स में जाके अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, पेरिनियल प्लांट्स। ठीक है, अब देखो इसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये जो एनुअल प्लांट है जो एक ही सीजन में अपनी लाइफ पूरी कर लेते हैं, और ये जो बाइनियल प्लांट है जो 2 सीजन में अपनी लाइफ पूरी कर लेते हैं, ये दोनों के दोनों प्लांट फ्लोवरिंग कितनी बार करते हैं अपनी लाइफ में, ओनली वंस, एक ही बार फ्लोवरिंग करते हैं। पहले वाले तो एक ही सीजन में फ्लोवरिंग कर लेते हैं, और बाइनियल वाले जो हैं वो फर्स्ट सीजन में तो वेजिटेटिवली ग्रो करे, और सेकेंड सीजन आने पे उन्होंने क्या किया, फ्लोवरिंग चालू की, रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करे। लेकिन एक बार रिप्रोडक्टिव फेज उनका कंप्लीट हुआ तो फिर वो किस में चले गए, सेनेसेंट में, है ना, सेकंड सीजन के अंदर। तो एनुअल प्लांट और बाइनियल प्लांट जो होते हैं ये मोस्टली एक ही बार में अपनी लाइफ साइकिल, अपनी लाइफ साइकिल जो चलाते हैं उसमें एक ही बार फ्लोवरिंग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ज्यादातर जो एनुअल प्लांट और बाइनियल प्लांट होते हैं वो कैसे प्लांट बोले जाते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट। ऐसे प्लांट जो एक ही बार फ्लोवरिंग करें उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट। तो ये जो एनुअल प्लांट हैं और बाइनियल प्लांट हैं, एक्चुअल में कैसे प्लांट होते हैं, मोनोकार्पिक, कि एनुअल तो इसलिए बोला क्योंकि वो एक ही सीजन में अपनी लाइफ कंप्लीट कर रहा है, बाइनियल इसलिए बोला क्योंकि 2 सीजन में कंप्लीट कर रहा है, लेकिन दोनों अपनी लाइफ में फ्लोवरिंग कितनी बार कर पा रहे हैं, एक ही बार कर पा रहा है। एनुअल तो उसी सीजन में कर रहा है और बाइनियल सेकेंड सीजन में फ्लोवरिंग कर रहा है, बट कर तो एक ही बार रहा है। तो द प्लांट्स विच फ्लोवर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम क्या बोले जाते हैं, वो मोनोकार्पिक प्लांट। तो एनुअल प्लांट और बाइनियल प्लांट ज्यादातर कौन से होते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट। ठीक है, अब देखो पेरिनियल, तो पेरिनियल प्लांट क्या है कि मान लो वो 2 से 3 साल वेजिटेटिवली ग्रो कर रहे हैं और उसके बाद 5 साल तक, 5 सीजन्स तक फ्लोवरिंग कर रहे हैं, फ्रूट बनाने लग रहे हैं, फ्लोवर बनाने लग रहे हैं। तो ये जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, पेरिनियल प्लांट जो कई सीजन्स में जाके अपनी लाइफ पूरी करते हैं,
वो कई बार फ्लोवरिंग करते हैं, मोर देन वंस फ्लोवरिंग करते हैं। तो पेरिनियल प्लांट्स को अपन मोस्टली ज्यादातर क्या बोलते हैं, पॉली कार्पिक प्लांट्स, कि सीजन भी काफी सारे लगा रहे हैं और एक से ज्यादा बार क्या करने लग रहे हैं, फ्लोवरिंग करने लग रहे हैं, तो इसलिए उनको पेरिनियल प्लांट्स को ज्यादातर क्या बोला जाता है, पॉली कार्पिक प्लांट, ठीक है, ज्यादातर बोला जाता है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो अभी पढ़ेंगे, ठीक है, ये बेसिक है इनका, तो ये आपको एनसीईआरटी में साइड में स्पेस है वहां पे लिखना है सारा कंटेंट, ठीक है। उसके बाद आता है कि इसमें एक्सेप्शन क्या है, ये जो पेरिनियल प्लांट्स हैं, ठीक है, पेरिनियल प्लांट्स तो ये मल्टीपल सीजन में लाइफ पूरी करते हैं और मल्टीपल टाइम फ्लोवरिंग करते हैं, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट एक्सेप्शन हमें क्या पढ़ना है कि पेरिनियल प्लांट है लेकिन वो पॉलीकार्पिक नहीं है, कैसे है, मोनोकार्पिक है, मतलब सीजन तो कई लगाएंगे, सीजन तो कई लगाएंगे ग्रो होने में, ठीक है, एक या दो सीजन से ज्यादा लगाएंगे, लेकिन फ्लोरिंग पूरी लाइफ में बस कितनी बार करेंगे, एक ही बार करेंगे। तो उसका पहला एग्जाम्पल एनसीईआरटी में किसका बता रखा है, बैम्बू स्पीसीज के बारे में बता रखा है, ठीक है, कि ये बैम्बू स्पीसीज ग्रो होने के 5200 ईयर आफ्टर, 5200 ईयर आफ्टर क्या करते हैं, फ्लोवरिंग करते हैं। तो मान लो 50 ईयर के बाद भी, ग्रो होने के 50 ईयर बाद फ्लोवरिंग की, तो मल्टीपल ग्रोविंग सीजन हो गए, लेकिन ओवरऑल लाइफ में फ्लोवरिंग वो बस कितनी बार ही करते हैं, एक ही बार करते हैं, फ्लोवरिंग करेंगे, लार्ज नंबर सीड बनाएंगे और उसके बाद किस में चले जाएंगे, डेथ में चले जाएंगे, ठीक है। तो सीजन तो ये बहुत सारे लगा रहे हैं, दो से भी ज्यादा सीजन लगा रहे हैं, लेकिन फ्लोरिंग लाइफ में कितनी बार करते हैं, एक ही बार करते हैं, ठीक है। ऐसे फिर एक दूसरा एग्जाम्पल बता रखा है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, ठीक है, एक बायोलॉजिकल नाम दे रखा है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, तो ये वाला प्लांट है, ये भी कितने टाइम्स में ग्रो करता है, आफ्टर 12 ईयर, ग्रो करने के 12 साल बाद फ्लोरिंग करता है, तो एक ही बार ये फ्लोरिंग करता है, लार्ज नंबर में सीड बनाता है और उसके बाद वो डेथ में चला जाता है, ठीक है। तो ये भी 12 साल बाद ग्रो कर रहा है, तो सीजन तो मल्टीपल हो गए, तो ये पेरिनियल प्लांट हो गया, मल्टीपल सीजन में ग्रो कर रहा है, लेकिन 12 ईयर आफ्टर बस एक बार फ्लोरिंग करेगा, तो मोनोकार्पिक हुआ, पॉलीकार्पिक हुआ, मोनोकार्पिक, ठीक है। तो मोस्टली तो पेरिनियल प्लांट पॉलीकार्पिक होते हैं, लेकिन ये दो ऐसे प्लांट है जो हैं पेरिनियल प्लांट लेकिन मोनोकार्पिक है, एक ही बार फ्लोरिंग कर पाते हैं लाइफ में, ठीक है। तो बुक में इनका भी मेंशन कर रखा है, ये भी अपने को अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब बुक पे आ जाते हैं वापस, देखो तो यहाँ पे क्या बोलने लग रहा है कुछ, कि अब प्लांट्स हैं कौन से प्लांट, एनुअल प्लांट और बाइनियल प्लांट, तो इन दोनों प्लांट्स में हमें क्लियर कट क्या देखने को मिलता है, क्लियर कट वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज, तीनों अलग अलग देखने को मिलते हैं, पता चल जाता है। तो फ्लोवरिंग से पहले वाला टाइम पीरियड क्या बोला जाएगा, वेजिटेटिव, फ्लोवरिंग वाला रिप्रोडक्टिव, और फ्लोवरिंग एंड हो गई उसके बाद का सेनेसेंट फेज, ठीक है, तीनों पता चल जाएंगे एनुअल में और बाइनियल, क्यों, क्योंकि ये बस या एक या दो ही सीजन लगाते हैं, एनुअल वाले तो एक ही सीजन में मान लो 3 से 4 महीने ग्रो कर रहे हैं, उसी में वेजिटेटिव फॉलो किया, रिप्रोडक्टिव फेज फॉलो किया, सेनेसेंट फॉलो किया, डेथ में चले गए। बाइनियल वाले हैं, उन्होंने क्या किया, फर्स्ट सीजन में तो कैसे ग्रो किया, वेजिटेटिवली, सेकंड सीजन आते ही क्या किया, रिप्रोडक्टिवली, फ्लोरिंग करने लग गए, और उसके बाद वो किस में चले गए, सेनेसेंट और डेथ में चले गए। लेकिन जो पेरिनियल वाले, पेरिनियल वाले कई सालों तक तो वेजिटेटिवली ग्रो करते रहते हैं, फिर कई सालों तक रिप्रोडक्टिवली ग्रो करेंगे, फिर सेनेसेंट में जाएंगे, फिर फाइनली वो डेथ के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो क्लियर कट डिफरेंशिएशन किस में नहीं पता चलता, पेरिनियल प्लांट्स के अंदर पता नहीं चलता, ठीक है। तो यहाँ लिख रखा है, बट इन पेरिनियल स्पीसीज जो मल्टीपल सीजन में ग्रो करती हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दीज फेजेस, इन तीनों फेज को क्लियरली डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन किस में हम इजिली बता सकते हैं, एनुअल में और बाइनियल, क्योंकि वो एक या दो ही सीजन तक ग्रो करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है फ्यू प्लांट्स हैं जो क्या एग्जिबिट करते हैं, अनयूजुअल फ्लोवरिंग फेनोमेना, ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स हमने पढ़ने हैं।
अब ये बुक में जो दो एग्जांपल दे रखे हैं, ये दोनों पेरिनियल प्लांट है, मतलब मल्टीपल सीजन ग्रो करने वाले प्लांट है, ठीक है। लेकिन पेरिनियल प्लांट जो मल्टीपल सीजन में ग्रो करते हैं, जैसे कि मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, वो तो कई बार लाइफ में फ्लोरिंग करते हैं। बट ये ऐसे पेरिनियल प्लांट हैं जो ग्रो तो कई सालों तक करते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल फ्लोरिंग सिर्फ लाइफ में एक ही बार करेंगे, ठीक है। तो इस केस में ये मोनोकार्पिक बन जाते हैं, पेरिनियल होने के साथ साथ मोनोकार्पिक बन जाते हैं। तो पहला कौन सा प्लांट बता रहा है? बैम्बू स्पीसीज। तो बैम्बू स्पीसीज फ्लोवर करती है ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। तो जो वंस इन लाइफ टाइम फ्लोवर करें उनको हम क्या बोल देते हैं? मोनोकार्पिक। तो जो एनुअल और बाइनियल होते हैं वो मोनोकार्पिक होते हैं, और पेरिनियल में ये एक्सेप्शन है जो मोनोकार्पिक है। तो ये कितने टाइम बाद फ्लोरिंग करते हैं? जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर। क्या प्रोड्यूस करेंगे? लार्ज नंबर फ्रूट, और किस में चले जाएंगे? डेथ में चले जाएंगे, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल पेरिनियल प्लांट का कौन है? स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, नीला कुरेंजी। तो ये भी कब फ्लोर करता है? वंस, एक ही बार फ्लोर करता है 12 ईयर में, 12 साल में, उसके बाद डेथ में चला जाता है, ठीक है। अब कह रहा है, एज मेनी ऑफ यू वुड नो, दिस प्लांट फ्लोवर ड्यूरिंग, लास्ट टाइम कब फ्लोरिंग किया था? सितंबर अक्टूबर 2006 के अंदर, ठीक है। और मास फ्लोरिंग ने ट्रांसफॉर्म किया था लार्ज ट्रैक ऑफ हिली एरिया, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु वाले जो एरिया है वहां पे इसने पूरे हिली एरिया को कवर अप कर लिया था। तो वो ब्लू स्ट्रेचेज में कवर हो गया था सारा, जिससे लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट वहां अट्रैक्ट होते हैं, जाते हैं, ठीक है। नीला कुरांजी जब ग्रो करता है, फ्लोरिंग करता है, तो उस टाइम टूरिस्ट घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं उसको। अच्छा, अब प्लांट्स के बाद किन के बारे में बता रहा है? एनिमल्स के अंदर बताने लग रहा है। तो एनिमल्स के अंदर जो जुवेनाइल फेज होता है वो किससे फॉलोड होता है? उसके बाद ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स में क्या आने लग जाते हैं? मोर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज आने लग जाते हैं। बाहर की मोर्फोलॉजी बदलने लग जाती है, अंदर का हॉर्मोनल लेवल बदलने लग जाता है प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। और उसके बाद वो एनिमल क्या शो करता है? रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो करता है, गैमेट फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म, ये शो करता है, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो भी कैसा रहता है? वेरिएबल ड्यूरेशन का। सब ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पेन अलग अलग है, तो उनका रिप्रोडक्टिव फेज का टाइम पीरियड भी अलग अलग मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पहले क्वेश्चन पूछ रखा है कि कैन यू लिस्ट द चेंज सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, कि ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आने लग गई है, तो इसका इंडिकेटर्स कौन कौन है? तो उसके बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। मेल इंडिविजुअल में अलग चेंज आने लग जाते हैं, फीमेल इंडिविजुअल में अलग चेंज आने लग जाते हैं। जैसे कि मेल इंडिविजुअल में लो पिच ऑफ वॉइस हो जाएगी, फीमेल इंडिविजुअल में हाई पिच ऑफ वॉइस हो जाएगी, मेल इंडिविजुअल में ज्यादा मस्कुलर ग्रोथ होने लग जाएगी, ठीक है। फीमेल बॉडी में मेमरी ग्लैंड डेवलपमेंट चालू हो जाएगी, ठीक है। हॉर्मोनल लेवल भी चेंज होने लग जाता है मेल फीमेल के अंदर, तो वो अलग अलग साइन है, ठीक है। अब बता रहा है कि अमंग एनिमल्स, मान लो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बर्ड्स के बारे में। तो कह रहा है, डू दे ले एग ऑल थ्रू द ईयर, क्या वो कंप्लीट ईयर के अंदर एग लेइंग करते रहते हैं, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं, या और इट इज ए सीजनल फिनोमिना, या उनके अंदर पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही एग बनता है, पर्टिकुलर सीजन में ही वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं, ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है। और व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, फ्रॉग में, लिजार्ड में, इनमें क्या कंडीशन रहती है, ठीक है। तो इसमें हम सब में क्या नोटिस करते हैं? यू विल नोटिस दैट बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग ओनली सीजनली, कि जो वाइल्ड हैबिटेट में रहते हैं, नेचुरल नेचुरल कंडीशन के अंदर जो बर्ड्स रह रहे हैं, वो पर्टिकुलर सीजन में ही एग लेइंग करते हैं, मतलब वो थ्रू आउट द ईयर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होते, उस साल के पर्टिकुलर सीजन में ही एक्टिव होते हैं, ठीक है। बट कह रहा है, हाउ एवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी पोल्यूट्री फार्म्स में, जो हमने बर्ड्स रखे हुए हैं, कैन बी मेड टू ले एग थ्रू आउट द ईयर। लेकिन जो अपने पोल्यूट्री फार्म्स में बर्ड्स वगैरह होते हैं, वो तो पूरे साल के लिए एग लेइंग करते रहते हैं, ठीक है। वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनको हमने आर्टिफिशियली इंड्यूस कर रखा है कि वो एग लेइंग करते रहे, ठीक है, वो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, ठीक है। तो इन दिस केस एग लेइंग इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, बट इट इज ए कॉमर्शियली एक्सप्लोइटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। तो वहां तो हम अपने वेलफेयर के लिए उनसे ज्यादा नंबर में एग लेइंग कराने लग रहे हैं आर्टिफिशियली, ठीक है, ह्यूमन मेड कंडीशंस के अंदर। बट अगर नेचुरली कोई बर्ड है, तो वो अपने पर्टिकुलर सीजन में ही एग लेइंग करता है, बाकी टाइम में नहीं करेगा, ठीक है।
अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट लाइन आती है इसके बाद कि द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स। ठीक है, पहली बात क्या है, ऑल मैमल्स की बात नहीं कर रहा है, किन की बात कर रहा है, प्लेसेंटल मैमल्स। तो ज्यादातर मैमल्स ऐसे ही हैं जिनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम प्लेसेंटा बनती है, बट कुछ नॉन प्लेसेंटल मैमल्स भी होते हैं जिनमें प्लेसेंटा नहीं बनती, जैसे कि एग लेइंग मैमल्स है, ऑर्निथोरिंकस या जिसको हम प्लेटिपस बोलते हैं, ऐसे ही एक स्पाइनी आंटीटर होता है। उसके अलावा जो मार्सुपियल्स होते हैं जैसे कि कंगारू, वो भी नॉन प्लेसेंटल मैमल। ठीक है, तो एग लेइंग मैमल्स और मार्सुपियल, उनको छोड़ के बाकी सारे मैमल्स कैसे होते हैं, प्लेसेंटल मैमल्स। प्लेसेंटा होती है उनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे। तो उन प्लेसेंटल मैमल्स में जो फीमेल इंडिविजुअल है उनमें क्या आता है, साइक्लिकल चेंजेस आते हैं, ऐसे चेंज जो रिपीट होते हैं, साइक्लिकल चेंजेस। किसकी एक्टिविटी में, इन द एक्टिविटी ऑफ ओवरी, असेसरी डक्ट एज वेल एज हॉर्मोन। ठीक है, कब आते हैं सारे चेंज, ड्यूरिंग दी रिप्रोडक्टिव फेज। तो ज्यादातर जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं उनमें जो फीमेल इंडिविजुअल है उनमें जब रिप्रोडक्टिव फेज चालू होगा तो एक्टिविटी में चेंज आएगा। किस किस की एक्टिविटी में चेंज आएगा, ओवरी की एक्टिविटी में चेंज आएगा, उसके अलावा असेसरी डक्ट। तो असेसरी डक्ट हम यहाँ मेन किसको कंसिडर कर सकते हैं, ह्यूमन के केस में, यूट्रस में, और हॉर्मोन्स। तो हमें पता है काफी सारे हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, और ओवरी से रिलेटेड कौन से होते हैं, इस्ट्रोजन, प्रोजिस्ट्रोन, ठीक है, ये वाले हॉर्मोन होते हैं। तो इनमें चेंज आएगा, जैसे कि रिप्रोडक्टिव फेज में ओवरीज हैं वो क्या बनाना चालू कर देंगी, ओवम बनाना चालू कर देंगी, ओवल्यूशन चालू हो जाएगा। ठीक है, यूट्रस की जो अंदर वाली लाइनिंग होती है एंडोमेटीरियम, वो भी साइक्लिकल चेंज में जाने लग जाएगी। ठीक है, वो रप्चर हो जाती है, फिर से दोबारा से प्रोलीफरेट करती है, रीजनरेट करती है और थिक हो जाती है। ठीक है, एंडोमेटीरियम में भी चेंज आना चालू हो जाता है, और साथ साथ इस्ट्रोजन प्रोजिस्ट्रोन का लेवल भी इंक्रीज होना फिर डिक्रीज होना साइक्लिकली, ये भी चलता रहता है। ठीक है, तो ये सारे चेंज कब आते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज में। ठीक है, अच्छा, अब ये जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं जिनमें ओवरी में, डक्ट में, हॉर्मोन्स के लेवल में चेंज आ रहा है, उन प्लेसेंटल मैमल्स में दो केस हैं। पहले कौन से मैमल्स हैं, नॉन प्राइमेट्स मैमल्स हैं, और दूसरे कौन से मैमल्स हैं, प्राइमेट्स मैमल्स हैं। ठीक है, दोनों के दोनों ही प्लेसेंटल मैमल हैं, लेकिन प्लेसेंटल मैमल्स में भी कौन से हैं, नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स, दो तरह के मैमल्स हैं। ठीक है, तो प्राइमेट्स में कौन आता है, ऑर्डर होता है प्राइमेटा, उसमें कौन कौन आता है, मंकी, एप, ह्यूमन, ये सारे। इनको छोड़ के बाकी जो प्लेसेंटल मैमल हैं वो सारे क्या होते हैं, नॉन प्राइमेट्स, जैसे काउ, सेप, रैट, डियर, डॉग, ये सारे। ठीक है, तो अब बात कर रहा है कि भाई ये जो प्लेसेंटल मैमल्स में फीमेल इंडिविजुअल है इनकी ओवरी की रिप्रोडक्टिव साइकिल में जो चेंज आते हैं, तो जो नॉन प्राइमेट मैमल्स हैं उनमें चेंज पर्टिकुलर सीजन में ही आता है। ठीक है, ओवरऑल लाइफ में नहीं आता, पर्टिकुलर सीजन में ही चेंज आता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। तो कह रहा है इन नॉन प्राइमेट मैमल्स जैसे कि काउ, सिप, रेड, डियर, डॉग, टाइगर, सच साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वो क्या बोला जाता है, ईस्ट्रस साइकिल। ठीक है, और जो प्राइमेट्स मैमल हैं जैसे कि मंकी, एप, ह्यूमंस, उनमें जो ये साइक्लिकल चेंज आते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है कि नॉन प्राइमेट्स मैमल्स में जो ये साइक्लिकल चेंज आते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में वो क्या बोले जाते हैं, ईस्ट्रस साइकिल, और प्राइमेट्स मैमल्स में जो चेंज आते हैं रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर वो क्या बोले जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ईस्ट्रस साइकिल ऑपरेट होती है, ठीक है, तो हमने बोला कि कोई नॉन प्राइमेट मैमल है वो रिप्रोडक्टिव फेज में है, कौन से फेज में, रिप्रोडक्टिव फेज में। ठीक है, कौन से मैमल की बात कर रहे हैं, नॉन प्राइमेट मैमल। ठीक है, नॉन प्राइमेट मैमल। ठीक है, तो उसका रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है, लेकिन वो रिप्रोडक्टिव फेज में पूरे थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव फेज, मान लेते हैं हम उनका रिप्रोडक्टिव फेज है 10 ईयर के लिए, ठीक है, 10 साल के लिए रिप्रोडक्टिव फेज, तो इस रिप्रोडक्टिव फेज में भी हर साल पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही उनके अंदर हार्मोनल लेवल बदलेगा, हार्मोनल लेवल चेंज होगा।
पर्टिकुलर सीजन में, ऐसे नहीं कि वो 10 साल के लिए रिप्रोडक्टिव फेज में है तो कंटिन्यू उस 10 ईयर के लिए उनमें साइक्लिकल चेंज होगा। हर साल के पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही उनके अंदर ओवम बनेगा, ठीक है, पर्टिकुलर सीजन में। तो इसलिए उनको कैसा इंडिविजुअल्स हम बोलते हैं, सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं उनको हम, वो वाले मैमल्स क्या बोले जाते हैं, सीजनल ब्रीडर्स, कि रिप्रोडक्टिव फेज में भी पर्टिकुलर सीजन में ही ओवम रिलीज होता है उनके अंदर, तो वो कैसे इंडिविजुअल बोले जाते हैं, सीजनल ब्रीडर, ठीक है। जबकि बाकी जो दूसरे हैं प्राइमेट्स मैमल हैं, वो जब अपने रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं, वो जब अपने रिप्रोडक्टिव फेज में है, कौन से मैमल्स, प्राइमेट्स, कौन कौन आता है प्राइमेट्स में, मंकी, एप्स, ह्यूमन, ठीक है, वो जब अपने प्राइम सीजन में है, रिप्रोडक्टिव फेज में, तो वो थ्रू आउट द ईयर पूरे साल क्या प्रोड्यूस करते रहते हैं, ओवम प्रोड्यूस करते रहते हैं, तो उनको हम कैसा ब्रीडर बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर, ठीक है, वो कैसे रहते हैं, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। तो रिप्रोडक्टिव फेज में भी थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज ओवम बन सकता है, तो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर, रिप्रोडक्टिव फेज के पर्टिकुलर सीजन में ही ओवम बनता है तो सीजनल ब्रीडर, ठीक है। तो अब आगे कह रहे हैं, मैनी मैमल्स, स्पेशली कौन से मैमल्स जो नेचुरल वाइल्ड कंडीशन में रहते हैं, उनमें जो साइक्लिकल चेंज आते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल में चेंज आते हैं, वो सिर्फ सिर्फ कब आते हैं, ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज के भी पर्टिकुलर सीजन में ही उनके अंदर चेंज आता है, तो इसलिए वो कैसे ब्रीडर बोले जाते हैं, देयर फोर हम उनको क्या बोल देते हैं, सीजनल ब्रीडर बोलते हैं, ठीक है, वो क्या बोले जाते हैं, सीजनल ब्रीडर। और मैनी अदर मैमल्स, तो ये अदर मैमल्स कौन से हैं, प्राइमेट्स मैमल, प्राइमेट्स, तो ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में ही एक्टिव रहते हैं, तो इसलिए इनको कैसा बोल देते हैं, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर, ठीक है, ये कंटिन्यू ब्रीड कर सकते हैं, अगली जनरेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स में हमें पता चला कि उनके अंदर पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव फेज में पर्टिकुलर साइकिल एक्टिवेट हो जाती है, नॉन प्राइमेट्स के अंदर ईस्ट्रस साइकिल और प्राइमेट्स के अंदर मेंसुरल साइकिल, और दोनों के अंदर ओवरी में, एक्सेसरी डक्ट में और हॉर्मोनल चेंज फीमेल इंडिविजुअल में आने लग जाते हैं, ठीक है। फिर रिप्रोडक्टिव फेज के बाद कौन सा फेज आता है, सेनेसेंट फेज, ओल्ड एज आ जाती है, फिर कह रहा है दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड और इज समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज, बट कह रहा है व्हाट इज मीन बाय ग्रोइंग ओल्ड, तो उसका मतलब क्या है, तो ओल्ड होने का मतलब क्या है कि कौन सा फेज का एंड हो गया है, रिप्रोडक्टिव फेज एंड हो गया है, तो द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सेनेसेंस या ओल्ड एज। तो रिप्रोडक्टिव फेज का खत्म हो जाना ओल्ड एज के सेनेसेंस की शुरुआत है, और देयर आर कॉन्कोमिटेंट चेंज इन द बॉडी, तो साथ साथ बॉडी में भी चेंज आते रहेंगे, जैसे फेज बदल गया तो लाइफ में और भी चेंज आने लग जाएंगे, लाइक स्लोविंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, लो इम्यूनिटी, ठीक है, ये सब कुछ होने लग जाता है ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन, और ओल्ड एज अल्टीमेटली किसको लीड करती है, डेथ को लीड करती है, ठीक है। तो ऐसे बाकी एनिमल्स में भी लाइफ में फेज है। अब कह रहा है कि ये जो सारे फेज चल रहे हैं, जो एनाइल फेज, फिर रिप्रोडक्टिव फेज, फिर सेनेसेंट फेज और फाइनली इंडिविजुअल डेथ में चला गया, तो ये जो डिफरेंट फेज लाइफ में टेक प्लेस कर रहे हैं, इन ट्रांजिशंस के लिए, एक फेज से अगला फेज लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कह रहा है इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स दोनों के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन दी थ्री फेज। तो तीनों फेज में चेंज लाने के लिए अलग अलग हॉर्मोन्स का कम हो जाना, ज्यादा हो जाना, वो लीड करता है, और इंट्रैक्शन होती है बिटवीन हॉर्मोन एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर, वो क्या रेगुलेट करते हैं, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, ठीक है। जैसे प्लांट के अंदर हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज कब चालू होगा, जब प्लांट क्या करने लग रहा है, फ्लावरिंग करने लग रहा है, ठीक है। अब प्लांट के अंदर फ्लावरिंग करना, काफी सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावरिंग किस पे भी डिपेंडेंट होती है, लाइट पे, फ्लावरिंग होना किस पे डिपेंडेंट है, लाइट पे डिपेंडेंट है, तो जब पर्टिकुलर अमाउंट लाइट का प्लांट पे गिर रहा है, उसके बाद उसके अंदर कुछ हॉर्मोन्स बढ़ने लग जाते हैं, और वो हॉर्मोन्स फाइनली किसको लीड करता है, फ्लावरिंग को, ठीक है। तो लाइट तो एनवायरमेंटल फैक्टर है, इस एनवायरमेंटल फैक्टर ने पर्टिकुलर हॉर्मोन प्लांट के अंदर
इंड्यूस करा दिया, उसका अमाउंट बढ़वा दिया, और उस हार्मोन ने फाइनली कौन सा प्रोसेस चालू कराया, फ्लोरिंग चालू कराया। फ्लोरिंग का चालू होना मतलब कौन से फेज का चालू होना है, रिप्रोडक्टिव फेज का चालू होना है, ठीक है। तो हॉर्मोन्स की और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की इंटरेक्शन होती है जिससे क्या रेगुलेट होते हैं, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, ठीक है, फ्लोरिंग वगैरह रेगुलेट होती है। और फिर क्या आने लग जाता है, असोसिएट बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उससे एसोसिएटेड जो चेंज आना है वो आने लग जाता है, मतलब कि फ्लोरिंग होने लग गई उसके अंदर, ठीक है।